आप सबको मई दिवस की हार्दिक बधाई। जिनके श्रम और परिश्रम से दुनिया का नवनिर्माण हुआ है और विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाता है, ऐसे कामगारों और श्रमिकों के परिश्रम को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आप सबको मई दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी प्रदेशवासी अपने कामगार भाइयों को, श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। दुनिया एक बहुत विकट संकट के दौर से गुजर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया आई है। स्वाभाविक रूप से इस कोरोना महामारी का कोई भी उपचार अभी तक दुनिया के पास नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की कार्रवाई यह मात्र बचाव के रास्ते हैं, और जब बीमारी का उपचार न हो तो बचाव ही सर्वोत्तम माध्यम बनता है। और आज कोरोना के मामले में भी यही सब कुछ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सर्वाधिक असर हमारे कामगारों, श्रमिकों और डेली कमाने वाले बंधुगणों को पड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही 135 करोड़ की आबादी के हितों को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखने में, अपितु तो उनको हर प्रकार से संरक्षण देने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब तक सफल रहा है। कोरोना की चेन को हर एक स्तर पर नियंत्रित करने के लिए जो प्रभावी कदम समयबद्ध ढंग से उठाए गए हैं, यह देश उसमें सफल रहा है और पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। दूसरा, इस दौरान गरीबों के लिए, कामगारों और श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज भी पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिकों और कामगारों के लिए प्रतिदिन कमाने वाले जो हमारे कामगार थे, उन सब के लिए हम लोगों ने भी अपनी एक योजना यहाँ पर लागू की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे वे निर्माण के श्रमिक हों, मनरेगा के श्रमिक हों, या फिर प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी पटरी व्यवसायी, पल्लेदार, ई रिक्शा, या फिर कोई निराश्रित प्रवासी मजदूर हो, या फिर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित होने वाले जितने भी हमारी 16 प्रकार की कारीगरी है, धोबी है, नाई है, मोची है, लोहार है, सुनार है, यानी इस कैटेगरी में जो भी ऐसे निराश्रित परिवार थे, इन सब के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाई और उन सभी लोगों को भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये देने की व्यवस्था प्रारंभ की। और उसी श्रृंखला में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग इस कैटेगरी में केवल निर्माण श्रमिक, डेली कमाने वाले जो कामगार हैं और अन्य लोग हैं, इनमें से लगभग 30 लाख लोगों को अब तक हम आच्छादित कर चुके हैं, जिन्हें हमने 1,000 रुपये की भरण पोषण की सहायता के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया है।
इसके साथ ही मनरेगा के जो मजदूर थे, 88 लाख मनरेगा के मजदूरों का 611 करोड़ रुपए का बकाया भी सरकार ने पहले ही भुगतान की करवाया है। इन सभी को व्यवस्थित रूप से करते हुए वर्तमान में 8 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर को हम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया गया है और उन्हें कार्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान में 18 करोड़ लोगों को 2 चरणों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। आज तीसरे चरण का खाद्यान्न भी उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। ये हम सब के लिए वास्तव में आपदा का काल है और इसमें सामूहिक शक्ति हम सब की दिखनी चाहिए और इसलिए हर एक स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है किसी को कोई समस्या ना हो। हमारे बड़े संख्या में कामगार और प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में भी कार्य करते हैं, उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों की हम सुरक्षित वापसी करवा चुके हैं, खासतौर पर उन कामगार और श्रमिकों को जो लोग खासतौर पर अन्य राज्यों में निवास करते हैं। दिल्ली और हरियाणा से 4 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हमारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से सुरक्षित वापसी आज हमारी संपन्न हुई है। राजस्थान, गुजरात से कल हम लोग उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी करवाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी हम लोग सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यानी एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना, इनके स्वास्थ्य की परीक्षण करना और फिर इन्हें इनके घरों में होम क्वारंटाइन में रखने के पहले इन्हें खाद्यान्न आदि उपलब्ध करवाना। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था भी प्रदेश ने लागू कर दी है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रवासी श्रमिक है, अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके पास यहाँ राशन कार्ड है, तो ये राशन की सुविधा उसे दूसरे राज्य में भी उपलब्ध हो सके जहाँ पे ई पॉस मशीन से खाद्यान्न उपलब्ध होता है, वह वहाँ से भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है। इस प्रकार से एक व्यवस्थित कार्य योजना अपने कामगार और श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने कामगारों, अपने श्रमिकों और अपने देश के 135 करोड़ नागरिकों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने कोविड के उपचार के साथ साथ इसके व्यवस्थित रूप से, इसके माध्यम से लोगों को राहत समयबद्ध ढंग से प्राप्त हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 52,000 से अधिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड की स्थापना करते हुए लोगों को यहाँ पे उपचार की व्यवस्था प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदान की है। हमारा प्रयास है कि आगामी 1 महीने के दौरान हम इस 1 लाख तक इस क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन ये टीम का मेहनत आप सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग एक बार फिर से लगभग 20 लाख उन सभी श्रमिकों के खाते में, जिन्हें पहले चरण का पैसा प्राप्त हो चुका है, 1,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी कामगार बंधुओं को, श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूँ। संकट का समय है, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको किसी प्रकार का कोई संकट न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो, लेकिन फिर भी हम सबको ये समझना होगा कि आपदा है और आपदा में तात्कालिक दिक्कतों को सह करके शासन प्रशासन की व्यवस्था के अनुरूप अगर हम लोग सहयोग करते हैं तो ये अच्छे परिणाम हम सबको बनाए रखने में मदद करेंगे। विपत्ति में धैर्य व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है और धैर्य बनाए रखते हुए शासन ने जो व्यवस्था की है कि हम हर हाल में एक लॉकडाउन का पालन करें, हमने कुछ औद्योगिक गतिविधियां उन क्षेत्रों में प्रारंभ की हैं, कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को उन क्षेत्रों में
और रियल इस्टेट से संबंधित जो भी काम यहाँ पर पहले से चल रहे थे उनको कुछ उन क्षेत्रों में प्रारंभ करने का प्रयास किया है जहाँ पर कोरोना की कहीं किसी प्रकार की कोई दूर दूर तक आँच नहीं है। लेकिन फिर भी अभी पूरी स्थिति को सामान्य स्थिति में बदलने में कुछ समय लग सकता है और इस दौरान धैर्य बनाए रखते हुए ये संक्रमण के चेन को रोकना, हर हाल में कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना, संक्रमण की चेन को तोड़ना ये हमारा फोकस होना चाहिए। और उसी फोकस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना बनाई है। आप सबका सहयोग हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करने में और प्रदेश की 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने में हमें मदद देगी, तो साथ साथ देश के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा में भी आप सबका योगदान और आप सबका धैर्य और अनुशासन एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। इसके लिए मैं आप सबको फिर से आह्वान करूंगा कि हम धैर्य बनाए रखें। आपका धैर्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, कस्बे के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हितकर होगा और इसमें आप सबके सहयोग की हम कामना कर रहे हैं। इस दृश्य एक बार फिर से श्रम विभाग की ओर से आप सभी को मैं 1-1 हजार रुपये की भरण पोषण की व्यवस्था की राशि उपलब्ध कराने के लिए हृदय से फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। श्रम विभाग के माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी को, विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेश चंद्रा जी को और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। शेष अन्य के भी हितों के लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसी को भी कोई समस्या किसी भी स्तर पर ना आए ये हमारी पूरी प्राथमिकता होगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूँ। हमारा परिश्रम राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग करके हम सबको यशस्वी बना सके इस दृश्य में आप सबसे अपील करता हूँ कि लॉकडाउन की इस कार्रवाई में हम सब मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था दी है उसका पालन करें और जहां पे आपके सहयोग की आवश्यकता समाज को या देश को होती है हम उसमें अपना योगदान दे सकेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। श्रममेव जयते के इस आह्वान और संकल्प के साथ हम सब मिलकर के राष्ट्र के नवनिर्माण में सहभागी बनेंगे। अनुशासन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन की जो कार्रवाई चल रही है इसका पूरा पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और प्रदेश की 23 करोड़ जनता को और देश की 135 करोड़ जनता को सुरक्षित रखने में हमें मदद मिल जाएगी। आप सबको मैं एक बार फिर से मई दिवस की बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं चाहूँगा कि कुछ जो हमारे कामगार और निर्माण श्रमिक हैं उनके साथ अगर संवाद की व्यवस्था होगी तो उनके साथ हम बातचीत करके उनका हालचाल भी ले लेना चाहेंगे। महाराज, बाराबंकी से रामू गौतम है। बाराबंकी, रामू गौतम बाराबंकी, हाँ रामू जी कैसे हैं आप? आपको पिछले महीने का पैसा मिला? पिछले महीने का आपके खाते में पैसा गया? हाँ, 1,000 गया था ना, आज फिर से 1,000 रुपया भेज रहे हैं आपके खाते में, ठीक है? परिवार में सब लोग ठीक हैं? राशन खाद्यान्न मिला? राशन मिला है ना? हाँ, तो राशन भी मिलेगा, भरण पोषण भत्ता फिर से आपके खाते में दिया जा रहा है, ठीक है? और आप लोग,
धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन और मई दिवस की शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। ठीक है, आप सुरक्षित रहिए, यही हमारी प्रसन्नता है। नमस्ते। झांसी से दुर्जन सिंह है महाराज जी। झांसी, दुर्जन सिंह जी, झांसी दुर्जन सिंह, नमस्ते। हाँ बताइए, आपको पैसा मिला, खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला, बच्चे कैसे हैं आपके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, काम धाम भी मिलेगा, और साथ साथ जो है हम लोग जो है पूरी आपके साथ हैं, आज 1,000 रुपया फिर से आपके खाते में जाएगा, ठीक है, ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको हमारी शुभकामनाएं। अमरोहा, अमित कुमार, अमित कुमार अमरोहा, अमित कुमार जी, अमित कुमार अमरोहा से, फतेहपुर, हाँ फतेहपुर से बोलिए, क्या नाम है, अमित कुमार, अमित कुमार फतेहपुर, बताइए, चलिए, हाँ बोलिए बोलिए आप, हाँ सब बढ़िया है, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं सर, परिवार में सब ठीक हैं, सब मंगल है सर, पैसा वगैरह मिला, जी सर मिल गया था, अच्छा खाद्यान्न वगैरह कुछ मिला, जी सर मिलता है, आज भी स्टार्ट हुआ है, आज भी हुआ, पिछले महीने भी तो भेजा गया, पिछला महीना भी भेजा है भाई, दो दो बार भेजा है, ठीक है, सुंदर है, खाद्यान्न मिल रहा है ना सबको, खाद्यान्न आपको इस बार भी मिलेगा अभी, और पैसा आज फिर 1,000 रुपया भेज रहे हैं, ठीक है, जी सर धन्यवाद सर, हाँ और कोई बात हो, नहीं सर और कोई बात नहीं है, ठीक, कोई बात हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना, जी सर, चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको। राहुल, मऊ, मऊ से राहुल, नमस्ते जी, राहुल जी आप बताइए कैसे हैं आपके बच्चे, परिवार में सब ठीक हैं, आप क्या काम करते हैं, अच्छा आपको पैसा मिला, पिछला महीना मिला पैसा, इस बार फिर से पैसा जा रहा है आपके खाते में, ठीक है, खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला आपको इस पिछले महीने, मिला है ना, ठीक है, बहुत सुंदर, सावधानी के साथ में परिवार की देखभाल करते रहो, पैसे का परिवार के हित में उपयोग करो, ठीक है, ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। महाराज जी अशोक कुमार हैं सोनभद्र से, इनको नोएडा से लाया गया था, अशोक कुमार जी नोएडा आपके सोनभद्र, सोनभद्र, अशोक कुमार सोनभद्र से, हाँ सर नमस्ते सर, नमस्ते, बताइए अशोक कुमार जी आप बताइए, अब आप लोग पहुंच गए, सब घर में ठीक ठाक हैं सब ना, पैसा मिला, हाँ तो मिल जाएगा, खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला,
इस बार का भी आज से शुरू हुआ ये भी मिलेगा, ठीक है। आज फिर पैसा आपके यहाँ भिजवा रहे हैं, आपके खाते में पैसा आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ बताइएगा फिर हमें, ठीक है। क्या है, परिवार में कौन कौन लोग हैं? अच्छा, अभी शादी नहीं किए, ठीक है। माँ बाप की सेवा सेवा कर रहे हैं ना, ठीक है। सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, काम धाम करिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है ना। अब सरकार पूरी तरह मदद करेगी, ठीक है। बहुत सुंदर। वेदपाल है बरेली से। जी बरेली, वेदपाल जी, बरेली। वेदपाल जी बरौनी से। वेदपाल वेदपाल बरेली। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कहाँ, क्या काम करते हैं आप वेदपाल जी? अच्छा, तो इस समय आप परिवार में कौन कौन लोग हैं? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसमें आपको पैसा मिला, खाद्यान्न मिला, खाद्यान्न राशन मिल गया, फिर से पैसा जा रहा है आपके खाते में, ठीक है। और कोई बात हो? हाँ हाँ अरे भाई, आप सबकी ताकत है ना। इतना बड़ा प्रदेश है तो हमारे पास इतनी 23 करोड़ जनता की ताकत भी तो है। ये ताकत है हमारी, इसी ताकत के भरोसे हम सब बड़ा बड़ा काम भी कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, मोदी जी की प्रेरणा है, आप सबकी ताकत है, तो हम लोग बड़े से बड़े कार्य को करने में संकोच नहीं करते हैं। हाँ, पालन करिए, उसी में सबकी सुरक्षा भी है। इस समय सुरक्षित रहना सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। चले, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। झांसी से ब्रज किशोर। ब्रज किशोर जी, झांसी। नमस्कार जी, नमस्ते जी। सर आपको मैं युवक की आदि बधाई हो। हाँ, आपको भी बधाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं? परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मैं हूँ, दो बच्चे हैं, माँ है। बहुत सुंदर। माँ की सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ा पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सुंदर। आपको पैसा मिला पिछले महीने का कि नहीं मिला? और इस महीना फिर जा रहा है, राशन मिला कि नहीं मिला? और कोई दिक्कत? लॉकडाउन का पालन करिए, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, ठीक है ना। ठीक है, सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रूप से आगे बनेंगी, फिर सारी चीजें ठीक होंगी, हैं। चलिए, बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, बाराबंकी से अमरकेश शर्मा। बाराबंकी, अमरकेश शर्मा श्री अमर के शर्मा जी, बाराबंकी। अमरकेश शर्मा जी बाराबंकी के। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय पुरस्कार। हाँ, नमस्ते जी, आप बाराबंकी से हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? अच्छा, बहुत सुंदर। अरे तो जब आप मकान बनाएंगे तभी तो लोग उसमें रहेंगे, तो आप लोगों के जो है मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम है कि लोग अच्छे भवनों में रह पाते हैं। आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? खरासन जो नहीं मिला, आप सूची भेजिए, उनको सबको दिलवाएंगे। हाँ, ठीक है, दिल सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, आप चिंता की बात नहीं। फिर से आपके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है। हर एक निराश्रित व्यक्ति को 1,000 रुपये का राशन सहायता और खाद्यान्न दिलाने के लिए कह दिया गया है। जिसके पास राशन कार्ड हो न हो, सबको मिलेगा खाद्यान्न, ठीक है।
और कोई बात तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सबकी ताकत है ये, और आप सबकी ताकत के कारण ही देश भी समृद्धि की ओर जाएगा और हम सब भी मिलकर के प्रदेश को बहुत समृद्धतम बनाएंगे, सबके जीवन में खुशहाली ला पाएंगे।